कोई चिंता नहीं है। तू अपने पवित्र पांव से सागर पे है चला, मेरे आगे चले तो मैं चिंता क्यों करूं। तेरे वचनों से बंधा हुआ सागर और आसमान, सुरक्षित हूँ मैं तेरे पास, कोई चिंता प्रभु प्रियो आप सबों को यीशु सहाय। आज का मनन ध्यान करने का विषय मैंने अपने स्वकाय काल में जो अनुभव किए हैं, तो हम उस अनुभव की बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। और आज नए विश्वासियों के लिए 6 बिंदु पर हम सब मनन ध्यान करेंगे। आज का विषय मैंने प्रेरितों के कार्य उसके 14 अध्याय उसके 22 पद को आप सबके सामने रखते हैं। उसमें लिखा है कि चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करना होगा। और एक बार पढ़ते हैं, और चेलों के मन को स्थिर दृढ़ करते रहे और आप उपदेश देते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करना होगा। आइए हम सभी प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हम सबों को अब तक सुरक्षित रखा है, हर प्रकार की जोखिम से, शैतान के छल बल से हमें रक्षा रखवाली की है। सभी बातों के लिए और तेरे सब आशयों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज के मौन ध्यान करने के लिए पिता परमेश्वर हम तुझसे सहायता अगुवाई चाहते हैं कि हम तेरे बिना कुछ नहीं कर सकते, इसलिए तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई हम सबों को दे ताकि हम तेरे पवित्र वचन पर उचित मनन ध्यान करने सकें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। तो आज के इस पद के बारे में बाइबल या हमें बताती है कि केवल एक ही स्थान से शुभ संदेश का प्रचार करना पर्याप्त नहीं है। नए विश्वासियों को शिक्षा देना और उन्हें उनके विश्वास में दृढ़ करना आवश्यक है। यही पौलुस और बरनबास ने किया। उन्होंने नए चेलों को चेतावनी दी कि परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए उन्हें अनेक कठिनाइयों को सहन करना होगा, जैसे दबाव और कष्ट। या हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी हम अनुभव करते हैं, जानते हैं कि दबाव क्या है और कष्ट क्या है और कैसे किया जाता है। तो प्रेरितों के काम में आज हम सब ने प्रभु का वचन से हम मां जानते हैं कि पौलुस प्रेरित भी
अपने वचन में कहा है, यदि हम धीरज से सहते या दृढ़ रहेंगे तो उसके साथ राज भी करेंगे। यह बात दूसरे थिमोथी उसके दूसरा और 12 पद में पाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि एक सच्चे समर्पित मसीही जन को मसीही जीवन के दबाव को सहन करना आवश्यक है, ताकि मसीह के साथ उनके आने वाले राज में राज कर सकें। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा, लिखा है 2 थिमोथी उसके 2 और 3 में। पहली बात यह है कि आपको कुछ कष्ट सहन करना आवश्यक है। यह पहली बात है जो आपको जानना आवश्यक है। आपको स्वर्ग जाने के लिए केवल उद्धार पाना ही आवश्यक नहीं है। एक बार जब आप बचाए जाते हैं तो मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई दुख उठा। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज भी करेंगे। 2 थिमोथी और उसके 2:3-12 मुझे सिखाया कि मसीह के साथ उनके राज में राज करने के लिए मुझे जीत प्राप्त करने वाला मसीही जन बनना आवश्यक है। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय उसके 26। मसीही जन जानते हैं कि मसीह के साथ उसके राज में राज करने के लिए उन्हें कष्ट सहना आवश्यक होगा। जैसे इस संदेश का प्रारंभिक पद कहता है, हमें बड़े क्लेश उठा उठाकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करना होगा। प्रेरितों के कार्य उसके 14:22। प्रेरित पौलुस ने नए बनने विश्वासियों को सिखाया है कि उन्हें मसीह के साथ उनके आने वाले राज में राज्य करने के लिए अनेक कष्टों से दबाव उनसे इससे होकर गुजरना आवश्यक होगा, और यही आपको भी करना आवश्यक होगा। अगर आप इस आत्मिक जागृति में परिवर्तित हुए हैं, दूसरी बात, आपके पास एक बाइबल होना है। आपके पास एक बाइबल का होना बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है, और उसे पढ़ना जरूरी है। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। 2 थिमोथी 3:16-17। आपको एक बाइबल खरीदना आवश्यक है, ताकि जैसे हम आपको पेज संख्या बताते हैं, आप उसके अनुसार निकाल सकें। आपको इन संदेशों की प्रतिलिपियां अपने साथ घर ले जाना आवश्यक है, ताकि सप्ताह के बीच में आप इनसे अध्ययन कर सकें। प्रतिदिन बाइबल पढ़िए। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरोध पाप ना करूं।
भजन का लिखने वाला एक भजन संहिता 119 और 11 पद में कहता है। तीसरी बात, इस चर्च में हर रविवार प्रातः की प्रार्थना सभा के शुभ संदेश प्रचार में भाग लीजिए। चौथी बात, अपने पास्टर और सहयोगी पास्टर को जानिए जो तुम्हारे अगुए थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। इब्रानियों की पत्री में हम उसके 13 अध्याय और 7 पद में पाते हैं और उसी के अनुसार फिर इब्रानियों की पत्री उसके 13 और 17 में भी हम पाते हैं, जो तुम्हारे अगुए थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उसके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। अपने अगुओं को मानो और उसके अधीन रहो, क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा कि वे यह काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस से लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। इब्रानी 13:17। अगुए शब्द को इस तरह भी अनुवादित किया जा सकता है कि जो तुम्हारे अग्रणी हैं। रिफॉर्मेशन स्टडी बाइबल इब्रानियों की पत्री उसके 13:17 के विषय में कहती है, विश्वसनीय चर्च अगुए विश्वसनीय चरवाहे होते हैं। आगुओं जैसे पास्टर्स की देखरेख बहुत गहरी और उचित होती है, क्योंकि वे परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए हैं और उसको लेखा देंगे। जिसकी सेवकाई का इनकार किया जाएगा और उस हर एक जन को दुख उठाना पड़ेगा। पांचवी बात, आत्मा जीतने को अपने जीवन की दृढ़ प्राथमिकता बनाइए। आत्मा जीतने को अपने जीवन की दृढ़ प्राथमिकता बनाइए। कोई भी तब तक एक अच्छा मसीही जन नहीं हो सकता जब तक वह शुभ संदेश सुनाने के लिए लोगों को लाने के लिए कठिन परिश्रम ना करे। प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहते थे, लोगों को वरस ले ही आ ताकि मेरा घर भर जाए। लूका 14:23। छठवीं बात यह है कि किसी एक छोटे प्रार्थना समूह के साथ जुड़ जाइए। किसी एक छोटे प्रार्थना समूह के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि जहाँ दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। क्योंकि जहाँ दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। मत्ती 18:20 में। अगर आप बचाए नहीं गए हैं तो हम आपसे आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि अपने पापों से पश्चाताप कीजिए और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। जब आप पश्चाताप करते हैं और उन पर विश्वास करते हैं
हैं तो उनका रक्त या प्रभु यीशु ख्रीष्ट का रक्त आपको आपके सारे पापों से शुद्ध करता है। लिखा है पहले जो है ना उसके 1:7 में, उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। परमेश्वर आप सबों को इस बातों से बहुतायात का आशीष दे, आप सबों को अगुवाई करे कि आप इन सब बातों को अपने हृदय में रखें और जो भी हम सब ने सुना है हम फिर से अपने अपने घरों में मनन ध्यान अपने सह परिवार के साथ फिर से करें। परमेश्वर आप सबों को बहुत याद का आशीष सहायता प्रदान करें। आमीन। Yeah.